हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र पंवार, सहायक अध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा देहरादून, ज्ञानदीप उत्तराखंड के ज्ञानदीप प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली बार हमने कक्षा 7 में अध्याय 10 के अंतर्गत प्रायोगिक ज्यामिति में त्रिभुजों की रचना करना सीखा था। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उस नए अध्याय में जो अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्मार्ट बोर्ड पर हम इसको करते हैं। हम लोगों ने इससे पूर्व में कक्षा 6 में आप लोगों ने यह पढ़ा होगा कि परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए परिमाप एवं क्षेत्रफल के करेंगे के लिए आधारित जो आंकिक प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को करेंगे। और परिमाप, जब हमने परिमाप की बात की थी, तो अगर हम एक परिमाप की बात करते हैं, अगर आयत आयत का परिमाप अगर हम लें, आयत का परिमाप बराबर, ये कुछ सूत्र हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। इनको ध्यान में रख करके हम प्रश्नों को करेंगे। आयत का परिमाप बराबर 2 × (ब्रैकेट) लंबाई धन चौड़ाई, और वर्ग, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा। अब इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 4 × चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। फिलहाल हम इसको देखते हैं। परिमाप एवं क्षेत्रफल के अंतर्गत आयत का परिमाप बराबर 2 × (ब्रैकेट) लंबाई धन चौड़ाई, वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। अब इन इन सूत्रों को हम ध्यान में रख करके हम कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे। अब प्रश्नावली, अगर हम एक एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण लीजिए, अगर हम इसका एक उदाहरण लें, अगर हम इसका एक उदाहरण लें, तो उदाहरण में हमने लिया एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? आयताकार सीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल, उदाहरण, एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल, एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमको दे रखा है। यदि सीट की लंबाई, आयताकार सीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखी है प्रश्न में, इसकी चौड़ाई क्या है? यानी आयताकार सीट की हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयताकार सीट की चौड़ाई हमको इसको ज्ञात करनी है।
अब हमको क्षेत्रफल दिया है, हम जानते हैं आयताकार शीट का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल वही आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार शीट का हमें क्षेत्रफल दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है, लंबाई 25 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई में ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 500 बटे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर है, ये 25 कम 25, 25 दूनी 50, 20 सेंटीमीटर से ये कट गया, 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो आयताकार सीट की जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर आ गई है। अब प्रश्न में ये भी कहा गया है कि सीट का परिमाप भी परिमाप ज्ञात कीजिए, लंबाई 25 है, चौड़ाई 20 हो गई है, हम परिमाप निकाल सकते हैं। आयताकार सीट का परिमाप बराबर 2 × (ब्रैकेट) लंबाई धन चौड़ाई, 2 × लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो गया 45, 45 दूनी 90 सेंटीमीटर, यानी कि ये आयताकार शीट का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमने एक ये सवाल किया है। हम प्रश्नावली 11.1 करते हैं। प्रश्नावली 11.1, इसमें एक प्रश्न है, पहला प्रश्न, एक आयताकार एक आयताकार भूखंड की भूखंड की लंबाई लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, 300 मीटर है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। नंबर एक, भूखंड का क्षेत्रफल भूखंड का क्षेत्रफल, और नंबर दो, भूखंड का मूल्य, भूखंड का मूल्य यदि यदि 1 m² का मूल्य
मूल्य 10,000 है, मूल्य रुपए 10,000 है। तो इस प्रश्न में देखिए हमको दो चीजें दे रखी हैं, दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड का मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का दाम जो है वो 10,000 रुपये है, तो जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उसका क्या दाम होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं, पहला भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड की लंबाई आयताकार आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 500 मीटर, आयताकार भूखंड की चौड़ाई 300 मीटर। अब हम जानते हैं कि आयत, अगर चूंकि हमारा भूखंड आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको दे रखा है 500 मीटर गुणा चौड़ाई हमको दे रखा है 300 मीटर, हमने इसका गुणा किया 5 × 3 = 15, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और मीटर, और मीटर या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, यानी कि हमारा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,50,000 मीटर स्क्वायर हो गया है। अब ये था हमारा प्रश्न पहला कि भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भूखंड का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य ₹10,000 है, तो सेकेंड 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 10,000 रुपये, 10,000 है। तो चूंकि हमारा जो क्षेत्रफल आया था वो 1,50,000, 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य, सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य, मूल्य बराबर रुपए इतना, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य मूल्य बराबर 10,000 गुणा 1,50,000, जब इसका गुणा करेंगे 15 × 1 = 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने रुपीस का वो भूखंड हमको पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा एक कि जो सवाल हमको दिया गया था कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और उसका हमने क्षेत्रफल भी ज्ञात किया और उसका मूल्य भी ज्ञात किया, जब उसका मूल्य 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये दिया हुआ था। अब एक सवाल, एक उदाहरण और लेते हैं। एक अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल याद कीजिए, अर्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप परिमाप 320 मीटर है। देखिए एक वर्गाकार पार्क का, अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हमको सर्वप्रथम पहले एक उस वर्ग की भुजा, वर्गाकार पार्क की भुजा हमें ये निकालनी पड़ेगी, और तब जब भुजा निकल जाएगी और तब हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो भुजा निकालने के लिए हमें परिमाप दे रखा है, तो हम जानते हैं वर्गाकार वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब देखिए प्रश्नानुसार हमको परिमाप दिया हुआ है 320, तो पार्क का परिमाप 320 मीटर है और ये 4 गुणे भुजा। इससे हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी, भुजा बराबर 320 बटे 4, 4 8 32, ये हो जाएगा हमारा 80 मीटर। यानी कि भुजा हमको आ गई, एक वर्ग पार्क की जो भुजा है वो 80 मीटर आ गई है। पार्क की भुजा बराबर 80 मीटर। अब हमें ये भी पूछा गया है कि पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। तो भुजा हमारी 80 मीटर आ गई थी, दूसरी वो 80 वर्गाकार है, 8 8 64 और 6400 मीटर स्क्वायर, ये हो गया वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हमने दूसरा वाला सवाल भी हमारा हल हो गया है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब हम इसी में एक और लेते हैं, एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें क्षेत्रफल भी दिया गया है और लंबाई भी दी गई है और उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम अगर एक अगले अन्य प्रश्न लिया जाए, इसमें नंबर 3 प्रश्न हमारा, एक आयताकार भूखंड एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 22 मीटर 22 मीटर हो 22 मीटर हो
इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को देखिए, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दी हुई हो, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर, लंबाई दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई हम इससे निकाल लेंगे, यहाँ से चौड़ाई आ गई हमारी 440 बटे 22, 22 दूनी 44, तो 20, यानी कि 20 मीटर चौड़ाई हमारी 20 आ गई है, लंबाई हमारी 22 है, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 22 मीटर, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, 2 गुणा 42 मीटर ये हो गया, 84 मीटर इसकी जो परिमाप हो गया, वो 84 मीटर इसका परिमाप हो गया, यानी आयताकार भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई हमको दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई हमको 20 मीटर हमने निकाल दी थी, इससे हमारा परिमाप 84 मीटर हमको ये इसका आंसर निकल गया है। इस प्रकार ये अभी आप लोग इसी तरीके के और भी सवाल कीजिएगा, इसको है। इसमें आप देखेंगे कि हमने चौड़ाई को निकाला 20 मीटर, किस तरीके से हमने इसको निकाला था, यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई से हमको क्षेत्रफल दे रख, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ था, क्षेत्रफल से हमने इसको इसकी चौड़ाई को ज्ञात कर लिया है, भूखंड आयताकार भूखंड का जो चौड़ाई है वो हमने 20 मीटर, हमारे 20 मीटर हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद जो ये 20 मीटर प्राप्त होने के बाद लंबाई हमारे को हमें दी गई है, दी हुई थी, अब भूखंड का जो परिमाप होता है वो 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, 2 की जगह हमने 2 रखा, बाकी लंबाई हमें 22 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 20 मीटर, जब इनको आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद गुणा करते हैं, तो ये आयत का परिमाप 84 मीटर। तो अब 11.1 प्रश्नावली के हमने 3 प्रश्न आपको उदाहरण के तौर पर मैंने आपको हल करवा दिए हैं ये। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से इसको सही प्रकार से समझ करके करेंगे घर में, और इसको बार बार इसका प्रयास करेंगे।